दोस्तों, मलेशिया के बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भारत के स्वदेशी तेजस फाइटर जेट को खरीदने लाइन में लग चुके हैं। और अब जो खबर आई है उसने चीन की इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि चीनी JF-17 को इस बार तेजस जेट ने तगड़ी धोबी पछाड़ दे डाली है। दोस्तों, भारत द्वारा बनाया गया स्वदेशी तेजस लड़ाकू विमान लाइट वेट कैटेगरी में दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है, जिसे अमेरिका जैसे सुपर पावर भी पाना चाहता है। कुछ महीने पहले ही अमेरिका ने भारत से तेजस लड़ाकू विमान को खरीदने की इच्छा जताई थी और उसके बाद से तेजस की डिमांड दुनिया भर में और भी ज्यादा बढ़ गई है। और दोस्तों, अब जो खबर आ रही है उसने 140 करोड़ भारतवासियों का सीना गर्व से कैसे चौड़ा किया है। दोस्तों, इस जेट को भारत ने अब महाशक्तिशाली बनाने वाली रणनीति शुरू कर दी है, जिससे चीन की हालत खराब हो चुकी है। दोस्तों, ये बात मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले ही एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज ताइना भारत दौरे पर हैं और इसी दौरान वो भारत के साथ अपनी वायुसेना के लिए तेजस मार्क 1A और LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर के लिए 8675 करोड़ रुपए की डील करने वाले हैं। दोस्तों, इस दक्षिण अमेरिकी राष्ट्र अर्जेंटीना की वायुसेना पिछले साल से ही तेजस को खरीदने के लिए मन बना चुकी थी। अर्जेंटीना भारत से 12 हल्के लड़ाकू विमान तेजस खरीदना चाहता है। बड़ी बात तो ये है कि इस डील के बीच चीन ने भी उसे बड़ा ऑफर दिया है। चीन ने उसे अपना JF-17 जेट ऑफर किया है, लेकिन तेजस के मुकाबले चीनी JF-17 पिछड़ चुका है और अब अर्जेंटीना तेजस के लिए डील फाइनल करने जा रहा है। दोस्तों, पिछले कई सालों से अर्जेंटीना अपने पुराने हो चुके बेड़े को आधुनिक बनाना चाहता है और इसके लिए वो सक्रिय रूप से अच्छे विमानों की तलाश कर रहा है। साल 2015 में उसका आखिरी मिराज 3 फाइटर जेट रिटायर हो चुका है और इसके बाद उसके पास केवल घरेलू स्तर पर निर्मित FMAIA-65 पाम्पा ट्रेनर्स और लॉकी हॉड मार्टिन का A4AR फाइटिंग हॉक विमान बचे हैं। अर्जेंटीना की एयरफोर्स की हालत इतनी खराब है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जब 2016 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा देश के दौरे पर आए थे तो उनके विमान एयरफोर्स वन को सुरक्षा देने के लिए इनके पास कोई भी उपयुक्त फाइटर जेट नहीं था। अमेरिका को अपने F-16 लड़ाकू विमान साथ लाने पड़े थे, लेकिन अब वो तेजस को खरीदने के लिए आगे बढ़ चुका है। दोस्तों, वैसे अर्जेंटीना के अलावा ऑस्ट्रेलिया, मिस्र, अमेरिका, इंडोनेशिया और फिलीपींस भी जेट खरीदना चाहते हैं। तो आखिरकार इसकी दीवानगी की असली वजह क्या है, वो आपको बताता हूँ। दोस्तों, भारत का तेजस सिंगल इंजन डेल्टा विंग लाइट वेट लड़ाकू विमान है। भारत का तेजस बेहद छोटे रनवे 460 मीटर के रनवे में से भी टेक ऑफ कर सकता है। इसको बनाने में कार्बन फाइबर, टाइटेनियम और एल्यूमिनियम का इस्तेमाल किया गया है और यही कारण है कि इस लड़ाकू विमान का वजन 6500 किलोग्राम ही है। मतलब दोस्तों, ये ज्यादा हथियार लेकर उड़ सकता है और ये खूबी इसे दुनिया का टॉप वेपन बनाती है और इसी कारण इसकी मांग पूरी दुनिया में काफी तेजी के साथ बढ़ रही है। भारत के लिए बड़ी बात यह है कि तेजस को तैयार करने के लिए 60% से ज्यादा पार्ट्स तो भारत में ही बनाए गए, तो वहीं इसके कुछ इक्विपमेंट बाहर से भी लिए गए हैं। इसमें इस वक्त इजराइल का ELM-2052 रडार लगाया गया है, जो एक साथ 10 टारगेट को ट्रैक कर सकता है और उन पर हमला भी कर सकता है। हालांकि अब आने वाले समय में भारत इसमें अपना खुद का उत्तम AESA रडार लगाने वाला है, जो एक साथ 50 टारगेट को ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा तेजस में एक सल्फर प्रोडक्शन जैमर भी लगा हुआ है, जो पूरी तरह से ऑटोमेटिक है। यह जैमर तेजस की रक्षा आसमान और जमीन से किए गए मिसाइल हमले से करता है, लेकिन अगर इसने अपने दुश्मनों पर मिसाइल से हमला कर दिया तो उनका नेस्ता नाबूद होना तय है। भारत के वैज्ञानिकों ने तेजस लड़ाकू विमान में बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जिसका इस्तेमाल करके भारत का तेजस दुश्मन के ठिकानों को पहचान कर उनको आसानी से तबाह कर सकता है। साथ ही अधिक रेंज होने पर भी इसकी सटीकता में कोई फर्क नहीं आता। अगर तेजस लड़ाकू विमान 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से
20,000 फीट की ऊंचाई पर भी उड़ान भर रहा है, तब भी इसमें काफी आसानी से ईंधन भरा जा सकता है और तेजस की यही खूबी इसे दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट बनाती है। तेजस में 6 तरह की मिसाइलें लगाई जा सकती है, साथ ही इसमें लेजर गाइडेड बम और क्लस्टर बमों को भी ले जाने की क्षमता है। इसका वजन कम होने के कारण यह युद्ध पोतों पर भी आसानी से टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है। इसके हथियार ले जाने की क्षमता MiG-29 जैसे लड़ाकू विमान से दोगुनी है और रफ्तार के मामले में भी नंबर वन है, क्योंकि जहां पांचवी पीढ़ी के विमान F-35 की स्पीड 960 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वहीं तेजस की रफ्तार 22,022 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारतीय वायुसेना का भरोसा तेजस विमान ने किस तरीके से जीता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारतीय वायुसेना ने HL को 83 तेजस मार्क 1A का ऑर्डर दिया है। दोस्तों, भारत के DRDO की टीम इसमें तेजी के साथ सुधार भी करती जा रही है। तेजस अब अमेरिका से GE-414 इंजन ले रहा है, जो तेजस के नए अपग्रेडेशन में काम आने वाला है। दोस्तों, ये इसे पांचवीं और पांचवीं प्लस जनरेशन में बदल डालेगा। तो वहीं भारत के वैज्ञानिकों ने इसके डिजिटल रडार वार्निंग रिसीवर आउटर ECM पोर्ट सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर AESA रडार एवियोनिक्स एरोडायनेमिक में बदलाव के साथ साथ ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों से लैस करने का काम कर दिया है। तेजस मार्क 1 की हथियार ले जाने की क्षमता 5,300 किलोग्राम से अधिक है। इस विमान में कई तरह की मिसाइलें और रॉकेट को ले जाने के लिए टोटल 8 हार्ड पॉइंट दिए गए हैं। दोस्तों, तेजस के MK-1 में एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल, अस्त्रा MK-1 मिसाइल, ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल, स्पाइस और हैमर मिसाइल फिट हो सकती हैं। लिहाजा आने वाले कुछ सालों में तेजस विमान न सिर्फ भारतीय वायुसेना बल्कि दुनिया के कई और देशों की वायुसेना में अपनी सेवा दे रहा होगा। इसके अलावा आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत आने वाले कुछ सालों में फाइटर जेट के क्षेत्र में इतना आगे बढ़ जाएगा कि अमेरिका भी भारत से ही विमान खरीदेगा। इस वक्त भारत के वैज्ञानिक पांचवी पीढ़ी का फाइटर जेट MCA तेजस मार्क 2 TF-BDF और इसका एयर वर्जन औरा, साथ ही कार्ट्स वॉरियर और छठी पीढ़ी के फाइटर जेट फूफा विमानों पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, फूफा विमान इतना एडवांस होगा, ये अकेले ही युद्ध का नक्शा बदल देगा। दोस्तों, भारत का डिफेंस सेक्टर दिनों दिन तेजी से ग्रोथ कर रहा है। जहां एक ओर तेजस जेट की दीवानगी देखने को मिल रही है, वहीं भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया, ब्राजील, अल्जीरिया समेत एक दर्जन देश फाइनल टॉक पर है। अफ्रीकी देश बोत्सवाना भारत के तेजस विमान के लिए बातचीत बहुत ही बढ़ा चुका है। डायरेक्ट बोत्सवाना की सेना ने भारत की सरकार से बातचीत शुरू कर रखी है। बोत्सवाना की सेना कई तेजस फाइटर जेट खरीदना चाहती है। इतना ही नहीं, अफ्रीका के 31 देशों के समंदर और एयर पावर के लिए भारत एक अहम देश बनकर उभरा है और कुछ वक्त में ही भारत अहम डिफेंस और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का एक्सपोर्टर बन गया है। इन देशों में मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स, दक्षिण अफ्रीका, केन्या, तंजानिया और मेडागास्कर शामिल हैं, जो तेजी से भारत से सबसे ज्यादा रक्षा उत्पाद खरीद रहे हैं। यानी दोस्तों, कभी आयात कर रहा भारत अब हथियारों का निर्यातक बन चुका है। आपका इस मामले में क्या कहना है, हमें कमेंट करके बताएं।